खुश हो जाए, आ रही है काइनेटिक लूना इलेक्ट्रिक मोपेड, देखिए लॉन्च और फीचर्स डिटेल। भारतीय सड़कों पर एक बार फिर से लूना मोपेड की एंट्री होने वाली है, जो कि काइनेटिक लूना इलेक्ट्रिक मोपेड के रूप में आएगी। लॉन्च से पहले देखें काइनेटिक लूना की संभावित कीमत और खासियत समेत सारी जानकारी। काइनेटिक लूना इलेक्ट्रिक मोपेड लॉन्च प्राइस फीचर्स। भारत में लोगों की जरूरतों को देखने हुए कई टू व्हीलर कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च कर रही हैं। अब इसी कड़ी में काइनेटिक एनर्जी भी अपनी पॉपुलर लूना मोपेड को नए रंग रूप में लॉन्च करने वाली है। अपकमिंग काइनेटिक लूना मोपेड की सबसे खास बात ये होने वाली है कि यह इलेक्ट्रिक अवतार में आ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना कि जल्द ही भारतीय बाजार में काइनेटिक लूना इलेक्ट्रिक मोपेड लॉन्च कर दी जाएगी, जिसकी बैटरी रेंज भी अच्छी होगी। काइनेटिक एनर्जी की टू व्हीलर सेगमेंट में एंट्री। 70 और 80 के दशक में जब टू व्हीलर तक लोगों की पहुंच आसान नहीं थी, उस समय मिडिल क्लास लोग काइनेटिक लूना खरीदकर इसकी सवारी करते थे। 50 घन सेंटीमीटर की इस मोपेड में साइकिल की तरह पैडल होती थी। बाद में इस मोपेड की बिक्री बंद हो गई थी। लंबे समय बाद काइनेटिक ने भारतीय बाजार में वापसी की और काइनेटिक ग्रीन वेंचर के रूप में इसने इलेक्ट्रिक तीन व्हीलर और रिक्शा लॉन्च की। अब काइनेटिक एनर्जी टू व्हीलर सेगमेंट में भी वापसी करने की कोशिश में है और जल्द ही भारत में लूना अपने इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च होने वाली है। देखिए संभावित कीमत और खासियत। अपकमिंग काइनेटिक लूना इलेक्ट्रिक मोपेड के संभावित फीचर्स। पावर और बैटरी रेंज की बात करें तो इसमें 1 किलोवाट पावर जेनरेट करने के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिल सकता है, जिसे आप सिंगल चार्ज में 70-80 किलोमीटर तक चला सकते हैं। वहीं इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हो सकती है। वहीं संभावित कीमत की बात करें तो इसे ₹50,000 तक में लॉन्च किया जा सकता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक सेल्फ स्टार्ट, LED हेडलाइट्स, DRL, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और USB चार्जर से साथ ही कई और खास फीचर्स हो सकते हैं। एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक मोपेड। हालांकि नई काइनेटिक की लूना का साइज और लुक कैसा होगा, इस बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि यह संभावना है कि आगामी इलेक्ट्रिक दोपहिया ओरिजिनल मॉडल की तरह एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक मोपेड होगा। इस मॉडल का उत्पादन पुणे में काइनेटिक ग्रीन के प्लांट में किए जाने की संभावना है। कंपनी के पास फिलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं और दूसरी यूनिट का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। दूसरा प्लांट पुणे के पास सुपा में स्थित है और इसे हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कैसी होगी ई लूना? आगामी काइनेटिक ई लूना कई B2B इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को टक्कर देगी। विभिन्न जरूरतों के अनुरूप एडेप्टिव डिजाइन के साथ पीछे की सीट की तुलना में भार वहन क्षमताओं की ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। पेट्रोल से चलने वाली लूना की तरह ई लूना भी उबड़ खाबड़ इलाकों से निपटने के लिए दमदार होने की उम्मीद है। पावर ट्रेन या रेंज पर अभी तक कोई आधिकारिक डिटेल्स नहीं आया है, लेकिन हम आने वाले हफ्तों में इसके ऐलान किए जाने की उम्मीद करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।